बाथरूम के अंदर आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने बिना वाटरप्रूफिंग के फ्लोर टाइल्स लगाया हुआ है। तो वो किस तरह से लगाया हुआ है और कैसे लगाया गया है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखना, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो कभी भी आपको बिना वाटरप्रूफिंग के टाइल्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो आप नॉर्मल टाइल्स लगाते हो या लगवाते हो उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, लेकिन वाटरप्रूफिंग का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिना वाटरप्रूफिंग के आप आसानी के साथ लगा सकते हो। तो चलिए हम दिखाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपना पानी जाता है, यानी जो नॉर्मल जिसको जाली बोलते हैं, 6x6 की जाली यहाँ पर बिठाई गई है, हमने बिठाई। तो वो किस तरह से बिठाते हैं, सबसे पहले जाली का तरीका देखना होगा कि जाली किस तरह से बिठाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ से आप देख सकते हो इस जाली को आपको उठाना है, अभी मैं उठा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जाली को हम उठाते हैं, तो इस तरह से जाली को उठाने के बाद इधर अभी हमने इसके अंदर एक बैग डाला हुआ है सीमेंट का, जो कि कोई भी कचरा जो ऊपर से गिरता है उसके अंदर ना जाए। बाद में इसको निकाल के इसको क्लीन करके फिर इसके ऊपर जाली इसको आपको रख देना है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जाली किस तरह से बिठाना है। तो फ्लोर का जो मतलब ट्रेप होता है, उस ट्रेप के ऊपर जब हम टाइल्स लगाते हैं तो थोड़ा सा 1.5 इंच ऊपर आता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेप के ऊपर ही आपको पाइप डालना पड़ेगा। और वो पाइप किस तरह से डालना पड़ेगा, जो ट्रेप है आपका यानी जो फर्सी का लेवल है टाइल्स का, वो आके ट्रेप इसके ऊपर टच रहे, जो कि आप देख सकते हो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा ही गैप है, बोले तो 3 mm 4 mm भी गैप है इसके ऊपर। बाकी इसमें भी वो इसलिए गैप रखे क्योंकि जो सीमेंट में इसको फिट करेंगे जो मतलब एयर है वो इसके साथ बाहर निकल जाए और फिर इसमें फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये तो होगा जाली का। अभी चलते बताते हैं कि टाइल्स का किस तरह से हमने बिठाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले इस जॉइंट के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये किस तरह से लगाया गया, इसमें 4 mm का स्पेस दिया गया आपको। नॉर्मल मतलब बिना स्पेस के आप टाइल्स नहीं लगाओगे अगर आपको वाटरप्रूफिंग नहीं किया हुआ है। वाटरप्रूफिंग किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो, लेकिन अगर वाटरप्रूफिंग नहीं किया हुआ है तो उसके अंदर आपको 4 mm मिनिमम स्पेस देना ही पड़ेगा। और उसके बगल में टाइल्स लगाने के बाद आप देख सकते हो इसके पीछे जो चारों तरफ से गैप है वो गैप में पूरा भर रहे हैं, और उसमें क्या क्या भरना है, कौन सा केमिकल ऐड करना है वो आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया स्पेस, अभी बताता हूँ आपको कि किस तरह से कौन सा केमिकल क्या यूज करना है इसको भरने के लिए। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको ना ही रेती का यूज करना है और ना ही सीमेंट का। इसको भरने के लिए आपको यूज करना है अल्ट्राटेक का टाइल फिक्स, और वो भी एनटी का आप यूज करोगे तो उसमें अगर आप पानी ऐड करते हो तो उसमें 50% पानी और 50% उसमें डॉक्टर फिक्सिट ऐड करना है। तो उसके साथ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों तरफ से पूरा फुल भर देना है, किधर भी गैप ना रहे ऐसे अच्छी तरह से भर लेना है इसको। इस तरह से अगर आप भर लेते हो उसके बाद जो बचता है वही वाला केमिकल इसके अंदर जो भी हमने बनाई हुई है वो इसके अंदर वही पूरा केमिकल भर लेना है अंदर तक, और उसके ऊपर इसको कपड़े से अच्छे से ऊपर का क्लीन कर लेना है। मिनिमम इसके अंदर 2 mm का या 3 mm का स्पेस रख देना है ताकि इसके अंदर आप बाद में मतलब इसके अंदर वो भर सके, इपॉक्सी या ग्राउट कुछ भी हम भर सके जो कि हमको उसके कलर और डिजाइन भी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये तो हो गया पूरा कंप्लीट इसका कि किस तरह से हमको क्या करना है। तो अगर आप इस तरह से कर लेते हो उसके बाद अगर वॉल टाइल्स आप स्पेस टच करके वॉल टाइल्स पूरा लगा लेते हो तो उसका पानी अंदर जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया पूरा बाथरूम का। अभी एक बाथरूम और लगाया हमने, वो भी आपको दिखा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ से होता है इस बाथरूम का एंट्री, और इस तरह से पूरा फ्लोर इस तरह से लगा दिया गया है कंप्लीट। अभी इसका वाल लगाना बाकी है, जो कि वाल का भी आप देख सकते हो इधर बहुत ही ज़्यादा हमने डिजाइन किया। अभी इसको हमने ड्राइविंग कर दिया कि इस तरह से क्या लगाना है। तो लगने के बाद इसी चैनल पर वीडियो आएगा, तो वीडियो को जरूर देखना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया अगर चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना।